के जेडीबी साइंस कॉलेज से एनएसयूआई को जीत मिली है। एनएसयूआई की अंजलि मीणा ने जीत हासिल की है। अंजलि मीणा ने एबीवीपी की नीलू मीणा को हराया है। बता दे, छात्र संघ चुनाव को लेकर राजस्थान की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में आज काउंटिंग हो रही है। प्रदेश की 15 यूनिवर्सिटी और 439 सरकारी कॉलेजों में हुए छात्र संघ चुनाव को लेकर सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। कोटा मेडिकल कॉलेज से पीयूष मिश्रा अध्यक्ष बने हैं। मनीष बुडानिया और नेहा बामड़िया को हराया। जेडीबी कॉमर्स कॉलेज से एबीवीपी को जीत मिली है। एबीवीपी की दीप्ति मेवाड़ा अध्यक्ष बनी है। दीप्ति मेवाड़ा को 129 वोट मिले हैं। चेतना बैरवा को हराया है। कोटा के राजकीय विधि महाविद्यालय से गौरव मीणा अध्यक्ष चुने गए। 27 वोट से जीत हासिल की है कोटा के जेडीबी आर्ट्स कॉलेज में एबीवीपी ने कब्जा जमाया है। एबीवीपी की शिवानी दुबे अध्यक्ष बनी। उन्होंने निर्दलीय निशा मीणा को हराया है। हमारे कॉलेज में मतगणना समाप्त हो चुकी है इस समय, तो अध्यक्ष पद के लिए दीप्ति मेवाड़ा को चयनित घोषित किया है। उनको टोटल जो वोट थे 289, उसमें से 129 वोट मिले हैं और सेकंड नंबर पे रही हैं माधवी सेन। तो इस तरह से मतों का जो अंतर है वो रहा है 48, यानी कि अध्यक्ष पद के लिए दीप्ति मेवाड़ा जो है वो 48 वोटों से विजयी रही। बाकी पैनल में बाकी पैनल में यानी कि उपाध्यक्ष का मैं बता देती हूँ आपको। उपाध्यक्ष में मानसी सोनी विजेता घोषित हुई है, उनको 114 मत मिले हैं और सेकंड नंबर पर रही है शेफाली वर्मा, उनको 109 मत प्राप्त हुए हैं। तो इस तरह से उनकी मतों का जो अंतर है, यानी कि वो 5 वोटों से जीत उन्होंने हासिल की। तीसरा जो चुनाव था वो महासचिव पद के लिए हुआ था, उसमें स्वाति जो है लड़की, उसको 117 वोट मिले हैं और सेकंड नंबर पे वंदना वर्मा थी जो कि 110 वोट जिन्होंने प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से स्वाति को मतलब जीत हासिल हुई है और जीत का अंतर रहा है 7 वोटों का। और ये जो निर्विरोध विजेता प्रत्याशी हैं वो संयुक्त सचिव रही है ज्योति कुमारी। तो इन चारों को हमने अभी शपथ दिला दी है और अभी फिलहाल पुलिस उनको घर पे छोड़ने के लिए जा चुकी है और वो